नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके होस्ट पल्लवी। आज चर्चा होगी इंश्योरेंस पर, और इंश्योरेंस के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ अपना पैसा .com के सीईओ हैं हर्ष रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। चलिए सबसे पहले नजर डालेंगे क्या रहेगा शो में खास, यानी आज कौन से टॉपिक्स को हमने चुना है। इंश्योरेंस पर बात हो रही है तो ऑनलाइन टर्म प्लान्स को भी चेक करेंगे। अगर आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करने जा रहे हैं तो क्या पेड अप एक दूसरा ऑप्शन हो सकता है, और परिवार के लिए अगर आपको मेडिक्लेम पॉलिसी लेनी है, परिवार के जो मेंबर्स हैं उनकी एज को देखते हुए कुछ ऑप्शंस आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं हम कुछ ईमेल्स, और साथ ही हम ज्यादा से ज्यादा दर्शकों से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हर्ष, शुरुआत करेंगे ध्रुव से, फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। ध्रुव पाठक है हमारे साथ गुवाहाटी से फोन लाइन। नमस्कार ध्रुव जी, बताइए। गुड इवनिंग। आपने कुछ पॉलिसीज शेयर की थी मेल पर, काफी सारी पॉलिसीज इनफैक्ट आपने ली हुई हैं। बताइए एक्सपर्ट से क्या सवाल है। हमारी ये इस वर्ष की न्यू यूनिट लिंक पॉलिसी है जो 12,000 पर एनएम हमने 5 ईयर कंप्लीट कर लिया है जी। तभी वो लॉन्ग पीरियड के लिए, लेकिन उसमें ग्रोथ अभी बिल्कुल नहीं है। ध्रुव, जहां तक आपके हमने पूरी मेल चेक करी, उसमें करीब आपने 7 पॉलिसीज का जिक्र किया था। एग्जैक्टली क्या मंशा रही आपने कि इतनी सारी पॉलिसीज आपने अपने पोर्टफोलियो में बनाई हैं? नहीं, मंशा तो कुछ इन्वेस्टमेंट था, कुछ रिस्क वाल था, इसलिए हमने इतनी बनाया है जी। अच्छा, जहां तक बीमा कवर का सवाल है, आपको इन पॉलिसीज में कितना कवर मिल रहा है? टोटल मिला के तो अलग अलग है जी। टोटल बता सकते हैं कवर कितना है? आपकी सालाना आय बता सकते हैं? 6 लाख। ठीक है। हर्ष, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इनका पूरा पोर्टफोलियो इन्होंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत सारे यूलिप्स भी हैं, कुछ ट्रेडिशनल प्लान्स भी हैं, जीवन आनंद भी इनफैक्ट इनके पोर्टफोलियो में देख पा रहे हैं। और जैसा ध्रुव ने अभी खुद बताया कि करीब करीब 1.5 लाख से ऊपर इनका प्रीमियम जाता है, जबकि जो इनको बीमा कवर मिल रहा है वो 18 लाख का है। सालाना इनकी 6 लाख है। आपका पहला कमेंट क्या रहेगा और आगे के लिए क्या सजेशन है? तो सबसे पहले ध्रुव जी को भी मैं कहना चाहूंगा, और इनके माध्यम से दूसरे दर्शकों को भी ये कहना है, और कई बार इस प्रोग्राम में हम ये कह चुके हैं कि जब आप दो चीज़ों को मिक्स करते हैं, ये ध्रुव जी अपने 6 लाख में से आप 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम, यानी 25% आप इंश्योरेंस के द्वारा सेव कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि रिटर्न्स तो आप खुद ही कह रहे हैं कि बहुत पुअर है। तो इंश्योरेंस एक अच्छा साधन है अपने आप, अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित करने के लिए। उस चीज़ के लिए इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है, और वैसा इंश्योरेंस आपने लिया ही नहीं है। 6 लाख की इनकम पर, आपकी 41 की उम्र है, कम से कम आपकी 75 लाख से लेकर 1 करोड़ का कवर होना चाहिए, ताकि अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपके परिवार का निर्वाह हो सके। लेकिन वो कवर आपने लिया ही नहीं है, क्योंकि आप रिटर्न के चक्कर में रहे। आप अगर टर्म प्लान लेंगे, 1 करोड़ का भी या 75 लाख का भी अगर आप टर्म प्लान लेंगे, तो एट अ फ्रैक्शन ऑफ दिस कॉस्ट, करीबन 20 या 25 हज़ार रुपये में आपको 1 करोड़ का कवर शायद मिल जाएगा। और बाकी के पैसों को अगर आप सेफ जगह पर भी लगाएंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी लगाएंगे, तो उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो आपको जो फिलहाल इन पॉलिसीज से मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये मतलब इसको जो मिक्स किया है आपने, वो कभी भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। ये आपके लिए भी लागू है और सारे दर्शकों के लिए मेरे ख्याल से ये चीज़ लागू होती है। अब जो इनकी स्पेसिफिक पॉलिसीज हैं, उसमें से कई पॉलिसीज तो यूलिप की पॉलिसीज हैं, तो उनमें क्या रिटर्न रहा है वो डिटेल्स नहीं अवेलेबल है, लेकिन चार्जेस शुरू में यूलिप में हमेशा ज़्यादा होते हैं, उस वजह से इनका जो रिटर्न है वो डिप्रेस हुआ हुआ है। एक इनका जो ICICI प्रूव गारंटीड सेविंग्स इंश्योरेंस प्लान है, ये तो एक ट्रेडिशनल प्लान है, अगेन उसमें रिटर्न बहुत अच्छा नहीं होता। अब क्या करना है, जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है ये पूरे डिटेल्स नहीं है, लेकिन आज की सरेंडर वैल्यू क्या है, फ्यूचर में जो प्रीमियम देंगे उसको टेक इन टू अकाउंट कर जो मिलेगा फ्यूचर में, जो चांस है मिलने का, उससे रिटर्न क्या बनता है, ये अगर वो कैलकुलेशन करें, और वो अगर 8-9% से ज़्यादा बनता है तो शायद इसमें रहें, वरना इसमें से निकल जाएं। मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि फ्यूचर के लिए आप क्या करेंगे। तो फ्यूचर के लिए प्लीज़ आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट मिक्स नहीं करें,
इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, प्योर इंश्योरेंस लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट अलग से करें, प्रोविडेंट फंड में करें, बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में करें, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में करें, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में करें, जो आपको मन बनता है जिस टाइप के असेट का, उस टाइप के प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान्स में इन्वेस्ट करें। जी तो ध्रुव, आपकी जो मौजूदा पॉलिसीज हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा पोर्टफोलियो था इसलिए नटशेल में हमारे एक्सपर्ट ने बता दिया है। आगे के लिए आपके लिए राय यही है कि यूलिप्स को आप थोड़ा सा, अगर ज्यादा समय के लिए आप बने रह सकते हैं तो ही आप उसमें कंटिन्यू करें, बीच में निकलेंगे काफी नुकसान हो जाएगा। और टर्म प्लान एक भी नहीं है आपके पोर्टफोलियो में, उसे आप जरूर शामिल करें। शो के दौरान हम कुछ टर्म प्लान पर भी जिक्र करेंगे, उस पर आप जरूर निगाह रखें। अगले दर्शक हमारे साथ सोनल है, पुणे से मौजूद है। नमस्कार सोनल शिंदे जी, बताइए क्या सवाल है सर आपका। हेलो सर, हेलो मैम, सोनल मैं पुणे से बोल रहा हूँ। मैं 32 इयर्स का हूँ, मैं आईटी में जॉब करता हूँ। ओके। मेरी एनुअल इनकम 12 लाख है। ठीक है। और मेरे पास फिलहाल दो इंश्योरेंस पॉलिसीज है, एक बिरला सनलाइफ का ड्रीम प्लान है 25 लाख कवरेज का, और एक LIC जीवन आनंद है 12 लाख इंश्योरेंस। ओके। मुझे फिलहाल दो टर्म प्लान लेने थे और दोनों का सम इंश्योरेंस 1 करोड़। ठीक है। दो टर्म प्लान इसलिए लेने थे कि एक मुझे एक रिलायबल लेना था, रिलायबल कंपनी से टर्म प्लान लेना था जो एक बेनिफिशियल प्योर टर्म प्लान हो, और दूसरा एक ऐसा प्लान लेना था जिसका प्रीमियम सबसे कम हो और जिसके चाहते थे। ठीक है। और इनफैक्ट सोनल आपने शॉर्टलिस्ट भी किए हैं SBI लाइफ का, ई शील्ड आपके मेल में आपने जिक्र किया है, 15,000 के आसपास आपको उसका प्रीमियम मिल रहा है क्योंकि 1 करोड़ का आपने कवर शायद चूज किया होगा या फिर आपने जो शॉर्टलिस्ट किया। साथ ही अवीवा पर भी हम राय लेंगे एक्सपर्ट से। हर्ष, इन्होंने दो पॉलिसीज बताई हैं कि ये दो पॉलिसीज उन्होंने शॉर्टलिस्ट करी हैं फॉर अ टर्म प्लान। इनका इनके दो कंसर्न है यहाँ पर, एक तो ये कि दोनों पॉलिसी से 1-1 करोड़ का अगर बीमा लें वो कैसा रहेगा, या फिर कोई बड़ा कवर ले लें किसी एक पॉलिसी से, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न इनको काफी है। इन्होंने जैसे मेंशन किया कि SBI लाइफ क्योंकि प्राइवेट कंपनी और बहुत सालों से यहां पर काम कर रही है, उनसे अगर ये बीमा लेते हैं और क्योंकि थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा देना पड़ रहा है कंपेयर टू द प्राइवेट प्लेयर्स, लेकिन एक सिक्योरिटी का ऑप्शन उसमें डेफिनेटली है, एक रिलैक्स ये हो सकते हैं मेंटली। आपकी क्या राय है इस पर? तो सोनल जी से यही कहूंगा कि सबसे पहले आप टर्म प्लान ले रहे हैं ऑनलाइन, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। कोई भी प्लान आप लें इंश्योरेंस, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, अगर आप कंप्लीट डिस्क्लोजर करेंगे आपके हेल्थ के बारे में, आपकी इनकम के बारे में, आपकी फैमिली के हेल्थ के बारे में, आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के बारे में, अगर सारी चीज़ें डिस्क्लोज करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से आपको क्लेम की चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर डिस्क्लोजर आपने कंप्लीट किया हो तो। ये कहने के बाद ये भी कहना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस इस स्पेशली टर्म इंश्योरेंस आप लेते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, तो अगर एक कोई पर्टिकुलर ब्रांड से आपको पीस ऑफ माइंड मिलता है तो ज़्यादा पैसे भी लगें उसी से लें आप, बिकॉज पीस ऑफ माइंड ही नहीं मिलेगा तो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद के क्या फ़ायदा है। लेकिन ये आप देख लें कि अगर फुल डिस्क्लोजर करें तो हर इंश्योरेंस कंपनी मेरे हिसाब से रिलायबल है, ये डिसीजन आपका है। और जो आपने दोनों प्लान्स करे हैं काफ़ी अच्छे हैं, आपके प्रीमियम्स भी आपने एकदम सही कैलकुलेट किए हैं, तो आप दो भी ले सकते हैं। 1 करोड़ का आप SBI से ले लीजिए, 1 करोड़ का अवीवा से ले लीजिए, दोनों मिला के आपका करीबन 24,500 रुपये लग जाएंगे, और उसमें 2 करोड़ की पॉलिसी आपको 30 साल के लिए मिल जाएगी, तो आई थिंक वो एक अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो 2 करोड़ का एक से भी ले सकते हैं, चाहे अवीवा से ले लो चाहे आप SBI से ले लो, वो भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा शायद हो सकता है कि आपके इनकम के मुताबिक ये करीबन मेरे ख्याल से 17-18 गुना होता है, तो मिल जाना चाहिए, मुझे मेरे ख्याल से इतनी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। और ये मिलने के बाद जो आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं उसमें एक ड्रीम प्लान है, वो तो इट्स एन ऑफलाइन टर्म प्लान इफेक्टिवली, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट एलिमेंट उसमें है, तो वो उसको आप फिर सरेंडर कर सकते हैं, उसमें फिर और प्रीमियम लगाने में कोई मतलब नहीं है जी। और एक दूसरा प्लान आपका जो जीवन आनंद है, वो भी मेरे ख्याल से चूंकि अभी लिया है आपने, उसमें उसको भी उसका जो अगर आप IRR निकालेंगे तो वो 8% से कम आएगा, तो मेरे ख्याल से उसको भी आपको सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन ये इंश्योरेंस लेने के बाद, ये हाथ में पॉलिसी आ जाए उसके बाद ही कोई एक्शन लीजिएगा।
तो सोनल, आपने जो रेट्स कैलकुलेट करे थे वो बिल्कुल ठीक थे, और एक्सपर्ट ने बताया अवीवा या फिर आप एसबीआई से अगर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन ठीक होगा, क्योंकि जहां तक क्लेम का सवाल है, अगर आप ठीक ठीक जानकारी उसमें देंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन ठीक से भरेंगे तो क्लेम मिलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जहां तक प्रीमियम्स का सवाल है तो एसबीआई का जो प्लान अगर आप 1 करोड़ का लेते हैं, करीब करीब 15,000 का उसमें प्रीमियम आपको देना होगा। साथ ही अवीवा, क्योंकि सभी प्राइवेट प्लेयर्स में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल अवीवा का प्लान है आई लाइफ, उसमें अगर आप लेंगे तो आपकी एज और टर्म के हिसाब से करीब करीब 9,000 के आसपास या 9,500 के आसपास आपको प्रीमियम उसमें चुकाना होगा। तो आप एक बार ऑनलाइन भी चेक कर लें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, आप उसमें जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी उम्र के मुताबिक के कुछ टर्म प्लान्स के ऑप्शन दिए गए हैं। जहां तक आपकी मौजूदा पॉलिसीज हैं, बिरला सन लाइफ जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, इस पॉलिसी में काफी ज्यादा प्रीमियम आप चुका रहे हैं, उससे अगर आप निकल जाएं बेहतर रहेगा। साथ ही LIC की भी जो पॉलिसीज हैं, ज्यादा एक्सपोजर डेट में है इसलिए रिटर्न्स कम मिलेंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अशुंगटा हमारे साथ बने हुए हैं, आप भी अपने सवाल भेज सकते हैं इस शो पर। कैसे भेजना है आपको, SMS करना है, बहुत ही आसान तरीका है, इंश्योर लिखकर आपको अपना सवाल 57575 पर भेजना है। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं moneyguru@zmedia.slgroup.com। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु, आज इंश्योरेंस पर चर्चा हो रही है। अशुंगटा अपना पैसा.com के सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं। अगले दर्शक से बात करते हैं, फोन लाइन पर इस वक्त राजपाल ठाकुर हैं मध्य प्रदेश से। नमस्कार राजपाल जी, गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका। मैम मेरा सवाल ये है, टेलीविजन का वॉल्यूम आप म्यूट कर दें, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, फिर अपना सवाल आप पूछें। मेरे 3 प्लान ले रखे हैं, मैंने 2 प्लान नेक्स्ट से ले रखे हैं जी। एक का 10,000 प्रीमियम है, एक का 5,000 है। ओके। जिसमें एक में इंश्योरेंस मुझे 2 लाख के आसपास है और एक में 6 लाख के आसपास है। ठीक है। इनके बारे में जानना है, इसमें होल लाइफ प्लान है ये, इसमें 800 तक इसको पे करना है, जो एजेंट ने मुझे बताया था, पर एजेंट ने मुझे बताया था 15 ईयर पे प्लान। ठीक है। लेकिन इसमें लिखा हुआ है पॉलिसी में 100 ईयर प्लान है ये जी, होल लाइफ प्लान है, आपको आजीवन शायद प्रीमियम उसमें चुकाना होगा। साथ ही आप एक लाइफ मेकर प्लान भी बता रहे हैं। यस मैम। ठीक है 20,000 पर ईयर का प्लान है वो। और इसके अलावा आपने तीसरा भी एक प्लान का जिक्र किया, बिरला सन लाइफ का शायद ये प्लान है। यस मैम। ठीक है, आपके तीनों प्लान्स पर हम राय लेंगे, पर उससे पहले अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा शेयर कर सके राजपाल, आप की उम्र कितनी है और आपकी सालाना आय कितनी है। 3 लाख सालाना आए हैं और उम्र है 30। ठीक है, क्योंकि मेल में शायद डिटेल्स कुछ डिफरेंट थी। हर्ष बताइए, इनकी मौजूदा जो पॉलिसीज है उन पर आपकी क्या राय है। तो मौजूदा पॉलिसीज पर राय देने से पहले अगेन सेम चीज मैं ठाकुर साहब से भी कहना चाहूंगा कि अगर 3 लाख की आपकी सालाना आय और आप काफी यंग हैं तो कम से कम 60 से 70 लाख तक का आपका बीमा होना चाहिए। जो आपका नहीं है तो आपको जो चीज़ करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं आप, क्योंकि आप सही इंश्योरेंस नहीं ले रहे हैं। तो सबसे पहले सही इंश्योरेंस लें, जैसे पहले कहा कि ऑनलाइन टर्म प्लान पहले लीजिए। जो इनकी पॉलिसीज़ हैं इसमें से 2 ट्रेडिशनल प्लान्स हैं, एक मैक्स लाइफ होल लाइफ पार्टिसिपेटिंग प्लान है और एक बिरला सन लाइफ विजन प्लान है। कोई भी ट्रेडिशनल प्लान में 5 से 6% का रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है, इंश्योरेंस कवर भी बहुत ही लो होता है। तो क्लियरली अब इन दोनों पॉलिसीज़ में ये हैं थोड़े समय से, इनमें बने रहना चाहिए कि नहीं, ये बताने के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है। और सेम लॉजिक होगा, आज की सरेंडर वैल्यू क्या है, फ्यूचर में कितना प्रीमियम देना है, कितना आपको मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, ये 3 चीज़ का आप कैलकुलेशन करके अगर उसकी इंटरेस्ट रेट 8% से ज़्यादा होती है तो आप करिए, वरना आप इनमें से निकल जाइए जी। और जो इनका एक यूलिप प्लान है, लाइफ मेकर प्लान, उसमें बहुत हाई पहले चार्जेस थे, ऑनगोइंग चार्जेस भी काफ़ी हाई हैं, और उसका जो फंड परफॉर्मेंस है, जो अगर इन्होंने इक्विटी फंड में डाला है तो उसमें उनका फंड परफॉर्मेंस भी एज़ कम्पेयर टू निफ्टी, उसका फंड परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा नहीं है, चाहे 1 साल का परफॉर्मेंस ले, चाहे 3 का ले, चाहे 5 का लें। तो क्लियरली मेरे ख्याल से उसमें से तो अब सरेंडर चार्ज भी नहीं है,
तो उनको उसमें से तो निकल ही जाना चाहिए। और अगर इक्विटी में ही इनको बने रहना है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो वो आप अच्छे इक्विटी फंड में वो पैसा डाल दें, ताकि अगर वो फंड परफॉर्म ना करे तो आप फिर से चेंज कर सकें। जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है, सबसे पहले इंश्योरेंस कंप्लीट लीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाइए। जी, तो यहाँ पर दो बातों का खास आपको ध्यान रखना है, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग अलग चीजें, इनको आप मिक्स ना करें। और साथ ही यूलिप्स में जो भी आप फंड चूज करते हैं उसके मुताबिक आपकी फंड वैल्यू बनती है। तो अगर आपका एक्सपोजर ज्यादा इक्विटी की तरफ है, उसको आपको देखना होगा कि आपने कौन सा फंड चुना हुआ है। ग्रोथ, इक्विटी, बैलेंस, अलग अलग तरह के फंड यूलिप्स में होते हैं, ज्यादा डिटेल्स होती तो एक्सपर्ट बेहतर तरीके से बता पाते। अभिषेक नायक इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है नागपुर से। नमस्कार अभिषेक, गुड इवनिंग, बताइए टर्म प्लान आप लेने की सोच रहे हैं। जी मैडम, मुझे एक टर्म प्लान लेना है 30 to 35 years का, 27 ईयर एज है मेरा जी, और 6 lakh के एनुअल सैलरी है। और इसमें एक सेकेंड क्वेश्चन था मैडम, मेरे पास जीवन सरल और होल लाइफ प्लान था LIC का जी, जिसमें मैं जीवन सरल में 48,000 और होल लाइफ प्लान में 5,500 पे करता हूँ। अभी आपके दोनों प्लान चल रहे हैं LIC के? जी मैडम, 3 years कम्प्लीट हुए हैं वो दोनों में। जी मैडम, ठीक है, तो उसको भी आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं अगर टर्म प्लान ले लेते हैं उसके बाद? उसके बारे में मेरे को पूछना था। ठीक है, ठीक है, आपका सवाल हम समझ गए अभिषेक जी। चलिए हर्ष बताइए, इनका तो इन्होंने मिक्स किया है सवाल, इनफैक्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन सरल में और एक और इन्होंने होल लाइफ प्लान बताया। दोनों प्लान में 3-3 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, कंटिन्यू करते रहे या फिर इससे बेटर होगा 1 करोड़ का एक टर्म प्लान ले लें? तो इन दोनों में तो अगर आप सरेंडर वैल्यू देखें और फ्यूचर के प्रीमियम देखें और पॉसिबल मैच्योरिटी वैल्यू देखें, तो रिटर्न काफ़ी कम, अभी भी काफ़ी कम है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों प्लान में तो बने रहने में फ़ायदा नहीं है। टर्म प्लान का इन्होंने अच्छा सोचा है, 1 करोड़ का टर्म प्लान लेने के लिए। तो इन्होंने कुछ बताया भी था कि इन्होंने ICICI, HDFC, मैक्स लाइफ वगैरह शॉर्टलिस्ट करें, तीनों ही अच्छी कंपनी, इनफैक्ट कोई भी कंपनी अच्छी है, जिस कंपनी में आपको विश्वास है उस कंपनी का लीजिए। बिकॉज इंश्योरेंस आप विश्वास के लिए लेते हैं, मन की शांति के लिए लेते हैं, तो जिस कंपनी से पॉलिसी लेने में आपको मन की शांति मिलती हो वहाँ से लीजिए, हो सकता है थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा मिले। एक चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी कंपनी से लीजिए, डिस्क्लोजर फुल करिए, अपना हेल्थ का, अपनी आय का, अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ का, फैमिली की हेल्थ का, ये चीजें आप फुल्ली डिस्क्लोज करेंगे तो फिर फर्क नहीं पड़ता आप कौन सी कंपनी से ले रहे हैं। ऑनलाइन टर्म लेंगे सस्ती पड़ेगी, सम कंपनीज आर चीपर, कोई कंपनी सस्ती है, कोई कंपनी महंगी है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 1 करोड़ के लिए अगर 30 साल का ये लेते हैं, तो चाहे रिलायंस का लें जो 6,500 के आसपास है, मैक्स जो उन्होंने कहा 7,300 के आसपास है, HDFC 10,500 के आसपास है, ICICI प्रू 12,500 और LIC करीबन 13,250 रुपये के आसपास है। जिस कंपनी से आपको मन की शांति मिलती है उससे लीजिए, डिस्क्लोजर फुल करिए, ये बहुत जरूरी है। तो अभिषेक आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज आपको बता भी दी हैं आपके एज के हिसाब से, आपके एज 30 से कम है, कम प्रीमियम आपको लगेगा, इससे जल्द से जल्द एक टर्म प्लान आप अपने लिए खरीद ले। फिलहाल इतने ही सवाल आज हम शामिल कर पाएंगे। हर्ष आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को अपना कीमती समय देने के लिए। और अपने दर्शकों को हम बता दें आज हमने चर्चा की है इंश्योरेंस पर, लेकिन कल जब लौटेंगे प्रॉपर्टी के सवालों को शामिल करेंगे। और साथ ही फ्राइडे को हमारी खास पेशकश रहती है वुमेन स्पेशल, उसे आप देखना ना भूलें। फिलहाल मनी ग्रुप में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।